I want to share another theory with you. What is that? Guru. Question comes, who is Guru? I am Guru, you are Guru, your parents are Guru, your neighbor is Guru. Who is Guru? I am going to talk about this. Basically, it is the definition which is given by Swami Vivekananda. Swami Vivekananda visited so many countries. What about his Guru? Ramakrishna Paramahansa. He was sitting at one place and having so much knowledge. Where this Swami Vivekananda is always telling, where I am getting, where is the source of my knowledge? Coming from Swami Ramakrishna Paramahansa. So he gave that definition, Guru is the person from where impulse of knowledge is generated. And a student through whom these impulses are conveyed. Kya hua? Ek bar mein lecture le raha tha. Ek student, do chote chote vakyat aapke saath share karunga ki dekhiye kahan se kaise changes aate hain. Do students ki baat aapke samne rakhunga. Lecture le raha tha. Ek student lagatar kharab perform kar raha tha. Aur us samay mein bilkul 20s mein tha. एकदम यंग टीचर था, स्टूडेंट भी लगभग मेरे ही एज के थे, तो बड़ा थोड़ा खतरनाक टाइप. इनफैक्ट स्टूडेंट ने नाम भी रखा था टेररिस्ट, थोड़ा सा एकदम स्ट्रिक्ट. वो स्टूडेंट बहुत खराब कर रहा था. सब देखा, उसको उठाया, खड़े हो जाओ क्लास में, लगातार उसकी बेइज्जती करता था. वो स्टूडेंट हमेशा खड़ा होता था, चुपचाप मुझे सुनता था, बैठ जाता था, क्लास से बाहर निकलता था. वो सॉरी बोलता था, सॉरी सर. ओके, आई सर ठीक है, नेक्स्ट क्लास भी ठीक करना. आई टॉक लाइक दिस एवरी डे, इट इज हैपनिंग. मैं बड़ा आश्चर्यचकित, ये स्टूडेंट इतना डांट खाता है, इतना मैं इसको ह्यूमिलिएट करता हूं, उसके बावजूद भी क्लास में रेगुलर आ रहा है. बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ. एक दिन सोचा कुछ तो पता करना चाहिए. उस स्टूडेंट को बुलाया, पूछा बेटा आप बहुत फोकस और कॉन्सेंट्रेटेड रहते हो क्लास में, आप जब मैं लेक्चर ले रहा होता हूं आप मुझे ध्यान से सुनते हो, जब मैं आपको डांटता हूं तो भी मैं आपके चेहरे पे टेंशन नहीं देखता, आप बाहर निकल के मुझे हर रोज लगभग सॉरी भी बोलते हो, आखिर क्या प्रॉब्लम है? बोला सर आपको याद होगा जब मैं शुरू में आया था तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बहुत फर्स्ट थर्ड जो टॉप थ्री थे उनके बीच में रह रहा था. मैंने कहा हाँ वही तो, तभी तो मुझे आपके ऊपर बहुत गुस्सा आने लगा. बोला सर कुछ दिनों से आप डांट रहे हैं, हुआ क्या सर? मुझे इससे कोई दुख नहीं है क्योंकि आप डांट रहे हैं, बिकॉज आई फील वट एवर यू आर डूइंग दैट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ मी. सर माई फादर हैज़ डाइड बिफोर, जब से आपने डांटना शुरू किया उसके दो दिन पहले से ही. एंड ही वॉज ऑलवेज लाइक दिस कि जब भी मैं यहाँ से क्लास से पढ़ के जाता था वो थक के ऑफिस से आते थे और सबसे पहले मेरी नोटबुक देखते थे, मैथ्स वाले सर की नोटबुक दिखाओ, और उसके बाद वो मुझसे एक एक चीज पूछते थे. अच्छा, और हर बार जब मैं उनको हर चीज बता देता था तो वो क्या बोलते थे? वेरी गुड. सर पिछले कई दिनों से ये होना बंद हो गया और मुझे ऐसा फील होता है कि अब जब वो है ही नहीं जो मुझे वेरी गुड बोलते थे तो मैं क्यों पढ़ूं. कॉन्टिन्यूसली वो चीज उस स्टूडेंट को, उसकी एबिलिटी को कॉन्टिन्यूसली रोक रही थी. जो अभी हाथी वाली स्टोरी कि उसको एक चेन से बांध दिया और उसके बाद उसको फील ही नहीं हो रहा उसके पास क्या पावर. ऑन दैट डे जब मैं घर पहुंचा पूरी रात नहीं सोया, फील हुआ कितना गलत तरीका है मेरा. उस दिन यू वुड बी सरप्राइज टू नो आई गॉट द गुरु. हु वॉज द गुरु? दैट स्टूडेंट. एंड ऑन दैट डे आई फेल्ट लाइक दिस,
I was doing a very wrong thing and whole night I could not sleep and next day in the morning जब मैं क्लास में पहुंचा और वो स्टूडेंट आया तो सबसे पहले उसी स्टूडेंट को मैंने बात किया. मैंने कहा इधर आओ. अलग से बैठाल के उससे दो मिनट बात करना शुरू किया. बात करते करते उसके चेहरे पे चेंज आना शुरू हो गया जो मैं क्लास में नहीं ला पा रहा था. काफी अच्छा उसको महसूस होना शुरू हो गया और क्लास के बाद जब वो नेक्स्ट लेक्चर में क्लास में आया मैंने कोई क्वेश्चन उससे पूछा उसके पास से रिप्लाई आना शुरू हो गया. मैंने बोला वेरी गुड. जैसे ही मैंने वेरी गुड बोला आप उसके चेहरे को सोच नहीं सकते कितना खुशी से भरा हुआ था क्योंकि उसको ऐसा फील हुआ माई फादर इज हियर. And every day I started telling him, very good, well done, you are right. Oh, wow, now you are here, Mr. Amit. He is real Amit. I was talking like this and he was all the time like this. Yes, I am Amit. The way he taught me how to treat others. So who is Guru? I am Guru? No. Why I am here? To learn something from you. Why I am taking mathematics class? Every year I am learning mathematics questions. Every year I am understanding new method. Everybody, every year new students are coming and they are giving something new. You would be surprised to know ki main to har saal ke student se milke amazed ho jata hu. Are ye bhi ek method hota hai. अरे अरे ये तो बहुत अच्छा तरीका है. एवरी ईयर आई एम फीलिंग वाओ कहां हूं मैं बहुत खुश हो रहा हूं. सो द डे यू आर कनेक्टेड विद योर स्टूडेंट द डे व्हेन स्टूडेंट इज कनेक्टेड टू यू देन एवरीथिंग चेंज्ड. पीपल से दैट इन केसीएस एजुकेट मैथमेटिक्स आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा. गो एंड टॉक टू माई स्टूडेंट I am not very good in mathematics. I just tell them कि mathematics को visualize कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, देखना तो आपको है. And that day they start feeling, oh, mathematics को देखा भी जा सकता है. They start working nicely. So basically, the teacher from where impulse of knowledge is generated and a student through whom these impulses are conveyed. How this is going to happen? बैठे हुए 100% लोगों में इस समय जो यहां बैठे हुए हैं you would be surprised to know 99% people are listening carefully. Why? Because of two things. एक तो बताया number चाहिए. Engineer बनना है, doctor बनना है, ढेर सारे पैसे कमाने, एक reason. एक दूसरा भी है. ओहो एवरीबडी इज लिसनिंग केयरफुली. ओ आई सी. अरे किसी का मोबाइल नहीं बज रहा है, अपना भी स्विच ऑफ है या नहीं. सो व्हाट इज दिस एनवायरनमेंट. सेकंड देयर इज अ होप. ओ आई एम गोइंग टू बी इंजीनियर. ओ समथिंग इज कमिंग, फॉर्मूला इज कमिंग. सो दैट्स व्हाई आई हैव टू लिसन केयरफुली. द मोमेंट यू स्टार्टेड लिसनिंग केयरफुली After 10-15 minutes, you forget that I want to be engineer. You forget that I am going to earn good money. You forget everything and then you are focused and concentrated and listening everything. You know why? Because all these things are happening with you. People say, I am the teacher. No, I say you are the teacher. People say that I am teaching you. No, you are teaching me. Every time, every hour, continuously, I'm learning, learning and learning because what I feel, life is learning. Life is not suffering. Life is basically learning. The day you stop learning, believe me, your life stops.